रुकिए रुकिए रुकिए, आज का ये वीडियो एक व्लॉग होने वाला है। आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का ये व्लॉग हमारा यौम आशूरा के पहले रोज़े को रिप्रेजेंट करेगा और ये बताएगा कि आज यौम आशूरा का पहला रोज़ा जामिया के मासूम नन्ने नन्ने चमन वस्तानवी के फूलों ने कैसे रखा, कैसी उनकी हिम्मतें थी, कैसे उनके रिव्यूज़ थे रोज़े को लेकर। तो आइए वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आप हजरात को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे यौम आशूरा के रोज़े को लेकर। अगर आपने आज का रोज़ा नहीं रखा तो कल और परसों का रोज़ा ज़रूर भी ज़रूर रख लेना, काफ़ी ज़्यादा फजीलत है। और अगर आप फजीलत नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर काफ़ी सारी लिंक्स पड़ी हुई है हमारे मदरसे के बयानात की, जहाँ पर यौम आशूरा की फजीलत को, फजाइल को, मसाइल को बयान किया गया है, आप उन तक रुजू भी कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हम इस व्लॉग को शुरू कर रहे हैं सहरी के वक्त से, इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी के खूबसूरत मोमेंट को, प्यारे प्यारे से नज़ारे को, इन कीमती मंजर को हमारे कैमरे में कैप्चर करने के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं दारु ताम की तरफ। ये सहरी का वक्त है और हमारे मासूम मासूम तलावा सहरी कर रहे होंगे। तो चलिए ये तो चंद मुख्तसर से विजुअल्स थे जो खाना बनाते वक्त के आप हजरात की खिदमत में पेश किए गए। सहर का वक्त था, तलबा तैयार नहीं थे कि वह आप हजरात के सामने आ सके, लिहाजा तलबा ने सहरी की, नमाज फज्र अदा की, जिक्र की महफिल सजाई और दो घंटे आराम करने के बाद फिर से अपने तालीम और तालुम वाले मशगले में लग गए। नमाज असर की अदायगी के बाद जारी हुआ इंटरव्यूज़ का सिलसिला। रैंडमली जामिया के मासूम मासूम तलबा को मुंतखब किया गया और स्टूडियो रूम में उनसे सवालात और जवाबात किए गए। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद मुआज। ओ आगे आगे उधर बताओ। मोहम्मद मुआज। मोहम्मद मुआज कहाँ से हो बेटा? वाहेगा उसे। इधर देखो, आप ये बताओ कि रोज़ा रखा आपने? जी। तो रोज़ा लगा आपको या फिर ऐसे अच्छा सुकून से एकदम अच्छे से गुजरा? रोज़ा नहीं लगा। तो मज़ा आया रोज़ा रखने में या फिर नहीं? मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो आप क्या क्या किया आपने आज दिन भर में रोज़ा रखने के बाद? नमाज पढ़ी। दूसरे तालिबे इल्म थे, ये बहुत हंस रहे थे, इनके चेहरे पर एक इतनी बड़ी मुस्कान थी, हमेशा तो इतनी होती है, आज इतना बड़ा चेहरा लिए बैठे थे। मैंने बोला भाई रोजे में तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे, इसीलिए इनको हम लेकर आए हुए। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ पेश कीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से बताइए? मोहम्मद माद, डोंगरगांव। डोंगरगांव क्या आपने रोज़ा रखा आज? नहीं। इसीलिए ये हंस रहे थे, आज पता चला इन्होंने रोज़ा नहीं रखा इसीलिए हंस रहे थे। तो आप फिर अब ये जो इफ्तारी बनने वाली है जो रोज़दारों के लिए है, तो आप इसका लुत्फ़ उठाएंगे, आप इसको खाने वाले जी? तो आपने तो रोज़ा नहीं रखा? कल रखेंगे। कल रखेंगे, तो फिर वो जो इफ्तारी बनी हुई तो आज फिर आपका हक ये है कि आप उसको ना खाएं? नहीं खाएंगे आप? पक्का आप पे नज़र रखें, हम तो नहीं खाएंगे आप? खाएंगे। ये देखो इनकी पूरी नीयत है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर क्या क्या बन रहा है अपने उधर मतलब में दारुताम में क्या बन रहा है? आप बताओ आप रोज़दार थे या नहीं फिर आज? जी। रोज़ा रखा आपने, कितने पाड़े पाड़े रोज़ा रखे आपने? हाँ कितने पाड़े? दो पाड़े। दो पाड़े पड़े, क्या बात है, नमाजें पूरी हुई आपकी? जी। सहरी? जी। इफ्तार? इफ्तार भी हो गया? अभी होएगा। होएगा क्या खाएंगे फिर? एक खजूर और तरबूज वगैरह जो है वो खाएंगे।
फिर मगरिब के बाद में जो पकाए बिरयानी चिकन टिक्का फिर वो खाएं। तो अभी से मतलब आप तैयारी है, आपका जहन जो है तो खाने की तरफ ज्यादा है। नहीं, फिर किस चीज़ की तरफ आपका जहन ज्यादा? बस अल्लाह की उसके क्या अल्लाह के उस पे चल रहे हैं। अल्लाह की किस पे चल रहे हैं? अल्लाह धका रहा आपका। चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपका धका रहे हैं तो आप चल रहे हैं बराबर। चलो खूब मेहनत से पढ़ो और अफ्तारी के अंदर बेहतरीन खूब तबीयत भर के खाओ, सैर होकर खाओ। तो सबसे पहले पेश कीजिए अपना तारुफ। मोहम्मद आलिम, बिहार। बिहार से आप जी? कौन से शोबे में आप पढ़ रहे हैं फिलहाल? हिफ्ज़ में पढ़ रहे हैं जी। आज का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा गुजरा जी। आप बिहार से यहाँ पर आए हुए हैं तो बताइए कि आज आपको कौन सी डिशेज हमारे इलाके की पसंद आई? पढ़ाई महाराष्ट्र की बहुत अच्छी पसंद आई। भाई डिश पूछा हमने, खाने कौन सा खाना, कौन से पकवान आपको पसंद आए? मदरसे में जो पकते हैं वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा पकते हैं। और आज? आज भी बहुत अच्छा बना है बिरयानी। तो मुकर्रमी नाज़रीन, अभी हम मिले दौरे हदीस के एक तालिब इल्म अब्दुल करीम साहब से। आज इनकी हदीस हमने रिकॉर्ड करनी थी। इनका उन्वान था यौम आशूरा के रोज़े में जो है तो अपने घर वालों पर वसात की जाए, इस उन्वान पर इन्होंने तैयारी करके आनी थी। ये आए लेकिन हम मशगूल थे हमारे दूसरे काम में, इसीलिए आज इनकी हदीस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए अब्दुल करीम साहब, आप कहाँ से, आपका नाम वगैरह। मेरा नाम अब्दुल करीम, नानेगांव से हूँ, दौरे हदीस में पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप बताओ आपका डेली का रूटीन कैसा रहा दिन भर का आज का? अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन सबक हुआ। अच्छा, कौन सी किताब का दर्स हुआ आज आपके? सबसे पहले बुखारी शरीफ का हुआ पहले घंटे के अंदर। अच्छा, दूसरे घंटे के अंदर नसई शरीफ का। अच्छा, तीसरे घंटे के अंदर तजवीद का। माशाल्लाह, चौथे घंटे के अंदर तिर्मिज़ी शरीफ का। यानी आपके मुकम्मल जो घंटे थे वो आज हुए, जो इस बाग होने के जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके हदीस का मफहूम बताओ, आपका मकसद खाली नहीं जाना चाहिए। अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने आप पर और अपने घर वालों पर आशुरे के दिन खाने पीने में वसअत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर साल भर वसअत फरमाएंगे। माशाल्लाह, तो आपके मकसद में कामयाब हो गए, आपने आपकी हदीस भी लोगों तक पहुँचा दी और साथ ही साथ आपका इंट्रोडक्शन भी नाज़रीन के सामने हो गया। ओके, मोहम्मद फैज़ान जी। मोहम्मद फैज़ान, कहाँ से आप? पान बड़ोद से जी। अच्छा, आपने रोज़ा रखा जी? कैसा गया? अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में क्या खाया? खाने में बिरयानी थी, अच्छी लगी जी। तो अभी कल क्या खाने का आपका इरादा है? कल जो पकाएंगे खाने। नहीं, कुछ तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, कुछ तो आपका दिल बोल रहा होगा क्या? कल बिरयानी, कल फिर से बिरयानी खानी है। ये होती है भाई महाराष्ट्र में बिरयानी का क्रेज़ और बिरयानी को लेकर मोहब्बत हमारे बच्चों में, कि आज आप बिरयानी खिला दो कल फिर बिरयानी खिला दो, हमको इससे कोई गुरेज नहीं, हम खाएंगे जी। कहाँ से आप? यहाँ पर ठंडी जगह पे क्यों बैठे हुए आप आके? रोज़ा लग रहा। हाँ, रोज़ा लग रहा। तो कल का रखना है, फिर हिम्मत हार दी आपने? कल का भी रखना। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद, तलबा के रिव्यूज़ लेने के बाद अब हम बढ़ने वाले हैं अफ्तारी की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इंतज़ार किस बात का, आप इंजॉय कीजिए और देखिए अफ्तारी और खाने के मनाजिर को। और इस व्लॉग को हम उसी वक्त ख़त्म कर देंगे जैसे ही मनाजिर ख़त्म होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कल नए डे 2 के व्लॉग में, जहाँ पर तलबा रोज़ा रखने वाले हैं कल भी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस व्लॉग को अपने दोस्तों भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। خلقي كل ديني مولاي صلي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.